तो फ्रेंड्स हमारे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। सत्य। सत्य कहाँ से आप? ओडिशा। ओडिशा से। तो सत्य आपने ये आपको ब्लैक पेस्टेड का फ़ोन है आपके पास जो दिया है, तो इसमें आपने क्या क्या काम किया ज़रा एक बार बताना। सीपीयू रिबोलिंग किया, ईएमसी रिबोलिंग किया। ब्लैक ग्लू जो आपने उसका ब्लैक पेस्टेड आईसी था एकदम हार्ड ग्लू आपने ही रिमूव किया जी सर। क्लीन किया, सीपीयू भी क्लीन किया, ईएमसी भी क्लीन किया, दोनों रिमूव करके क्या किया आपने? रिबोलिंग करके फिर से लगाया। अच्छा, फिर से लगा दिए। तो एक बार ऑन करके बताना सर, आपका फ़ोन ऑन हुआ है एक बार। ठीक है, ज़रा ऑन ऑफ की दबा के ऑन करना, ज़रा दिखाना। ऑन ऑफ ट्वीज़र से, ट्वीज़र से ऑन करो ज़रा। ऑन ऑफ की क्या पत्ता टूट गया क्या? ठीक है, ट्वीज़र से दबाना। अच्छा, एक बार अच्छे से हाँ, ठीक है, लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे डीसी पे रीडिंग ऑन हो गया और यहाँ पे हमारा फ़ोन हो गया। इनके लिए एक बार ज़ोरदार क्लैप। तो सत्य, ये आपका ब्लैक पेस्टेड आईसी आपने जो रिवॉल्व किया था, तो ये आप फर्स्ट टाइम किए हैं? फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी काम किया ये? कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। मतलब इसके पहले ट्राई किए थे लेकिन कभी कोशिश कर नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे आपको आज के दिन जो बताया था पूरा एक ही दिन के अंदर सब समझ में आ गया कैसे काम करना है, ब्लैक पेस्टेड में कैसे काम करना है। तो आपके आज का कितना दिन हुआ आपका क्लास का? चार दिन हुआ। आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन आपका जो चला था आप आईसी रिवॉल्व करके फिक्स किए, आप नॉन पेस्टेड आईसी काम किए, अभी आज आपको ब्लैक पेस्टेड आईसी दिया हुआ है। तो आप आज के दिन में ही पूरा काम कर दिए, ये निकाल के लगाना सब कुछ आप खुद से किए ना जी सर। तो आज अभी कैसे आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड है जी सर। ठीक है, और हमारे सागर सर और फिर सर को जी सर। तो फिर सर का जो बताने का तरीका था आपको, जो भी हैंड स्किल था, जो भी आपको क्लीनिंग करना बताए, और फिर सर का जो उनका ट्रेसिंग वाला नॉलेज था, थ्योरी वाला था, कैसा था उनका पढ़ाने का तरीका? ठीक था। एक बार समझ में आया था तो समझ में आ जाता है एकदम। इजी ट्रिक में बताते, कोई हार्ड लगता है? नहीं नहीं, एकदम इजी लगता है। ठीक है, ये तो ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है। ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक्स। तो ये कौन सा आईसी है हमारे पास? 15 वोल्ट का ग्राफिक आईसी है। यहाँ पे आपको इसके ऊपर LUB या NTC इस तरह का आपको लिख के देखने मिलेगा। अभी मैं आपको बोर्ड में भी बता देता हूँ आपको, जैसा कि ये वाला बोर्ड है मेरे पास, ठीक है, ये एक बोर्ड है Redmi 5A का, इसमें भी ये आईसी लग के है। मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आपको, एक बार देख लो कैसी दिखती है आईसी दिखने में। ये रहेगी कैसी? चपटी सी रहेगी, कैसी? चपटी सी, ट्रायंगल टाइप की, क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल टाइप। ठीक है, NTC ऐसा कुछ लिख के इस पर दिख रहा है, NT5 503 58A दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बाजू में अपने को क्या मिलता है, एक बूस्ट कॉइल मिलेगा और एक फ्लाइंग कैप यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से जाके यहाँ पे जो IC से निकल के IC मेन होता ना हमारी फ्लाइंग कैप। और इस IC का आउटपुट कितना है, क्या आउटपुट निकालेंगे? +5 और -5। +5 को क्या बोलेंगे अपन? VSC। क्या बोलेंगे? VSC। और इसको -5। ठीक है, करेक्ट है ना? चलो, ये तो अपन IC तो देख लिए, फिर से वापस आएंगे डायग्राम की ओर। तो ये जो बॉल IC बना है अपन, ये कहाँ से देख के बना है? ये जो एक एक कितने बॉल का IC है? सबसे पहले मोशन इधर आओ, जल्दी से इधर से आओ, फास्ट। कितने बॉल है इसमें? 15 बॉल। 15 बॉल में एक एक बॉल में हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल किए। तो ऐसा आपने क्या हमेशा कहीं पे मिल जाता है क्या, गूगल वगैरह से? अच्छा, आज 15 बॉल का है, इसके अलावा मैं 25 बॉल का भी दिया आपको। और एक तो वो कहाँ से मिलता है आपने, कहाँ से बनाते अपन, कहाँ पे क्या आना चाहिए, कहाँ से देख के फिल करेंगे उसको? डायग्राम से। वेरी गुड, यहाँ पे हमारे पास इसका डायग्राम है,
जैसा कि यहाँ पे, तो ये वाला ऐसी है क्योंकि डायग्राम में तो अपने को ऐसा मिलेगा, लेकिन बोर्ड में क्या ऐसा रहता है क्या? बोर्ड में कैसा रहता है? बॉल ऐसी क्या रहता है? तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ऐसा पलट जाओ भाई, कौन सा मॉडल का सेक्शन है ये, क्या सेक्शन है ये? रेडमी नाइन है। आवाज पूरा वहां तक जाना, वो टीवी तक। रेडमी नाइन है, गुटके की आवाज नहीं निकलना, जोर से। गुटका साइड पे रहता है ये। सबसे पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से? मोसिंग से, कर्नाटक से सर। कर्नाटका से है ये, ठीक है। पहले कब से काम कर रहे थे आप? 6-7 साल से कर रहे थे। ऑलरेडी कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट भी जाके आए, मैं नाम को नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अपन लेते भी नहीं ऐसा। तो दूसरे जगह भी गए आप, यहाँ भी सीख रहे, क्या फर्क दिखा? बहुत फर्क है सर। क्या फर्क? बहुत फर्क बोले तो क्या है? एक एक की एक बॉल की नॉलेज है सर, मतलब जो एक बॉल जाता है तो काम बनता सर, जब एक बॉल भी नहीं गया तो कुछ काम नहीं बनेगा सर। बाकी हैंड स्किल का काम भी कर रहे हैं आप? हाँ। क्या क्या कर लिए अभी तक, थोड़ा और देख के बताओ। ब्लैक पेस्टर, व्हाइट पेस्टर कराया सर। कर लिए 4G GB तो सब लोग कर लिए ऑलरेडी, ब्लैक पेस्टर भी कर रहे सब लोग ऑलरेडी, कितना ने तो ऑन भी कर लिए। इजिली खुल रहा अभी, ऐसी इजी रिवॉल्व हो जा रहा? जब डे वन आए थे आप लोग, माइक्रोस्कोप भी बहुत सारों को सेट करने नहीं आ रहा था, 5 दिन एक आंख बंद करके देखते है सर, दिख रहा नहीं सर, ऐसा हो रहा ना अभी, फर्स्ट टाइम आए, कभी यूज ही नहीं करते बहुत सारे बच्चे, और आज आप लोग उसके बगैर काम नहीं करते। ये टूल्स जो आपको दे रहे सारे ब्रांडेड दिए? ऑर्डिनरी टूल तो नहीं दिए? अच्छा, कुछ पेस्ट नहीं दे रहे, थिनर नहीं दे रहे, लाइटा बंद कर दे रहे, जाओ बोल के भिजा दे रहे, ऐसा तो नहीं? एक्स्ट्रा आवर्स भी काम कर रहे अपन, कर रहे कि नहीं कर रहे? अच्छा, आप लोगों को बोर तो नहीं मार रहा काम करने में? क्या भाई? अच्छा, तो सोच के आए थे, मिल रहा है इधर? चलो ज्यादा मिल रहा है, मिलना भी चाहिए और मेरे को भी ज्यादा चाहिए आपसे, समझ में आ रहा है? क्योंकि दो जगह से बराबर प्रॉपर रहेंगे तो आगे जा सकते हैं। खाली हमारे से ज्यादा मिल रहा है आपसे, कुछ भी नहीं मिल रहा तो चलेगा क्या? नहीं सर, दोनों जगह से चाहिए। क्या मॉडल है ये? रेडमी 9 है। 9 है का? ये आज जो डायग्राम पढ़े अपन, मैं आके ओपन करा कि आप में से कौन बोले? आप बोले, मेरी पसंद से तो नहीं खोला ना भाई, डेली आके अपन खोलते तो आपकी चॉइस ही रहती है, उसमें कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे डायग्राम आप चूज करेंगे, समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको सारे डायग्राम एक जैसे ही है, नॉलेज जब आपको आ जाती तो मॉडल से फर्क नहीं रहता आपको। सर ओप्पो का खोलो, वीवो का खोलो, कोई भी आप खोल के मोबाइल बना सकते हैं। हम जो देखते हैं चिपसेट वाइज जाते हैं, सीपीयू क्या लगा है उसके अंदर, आईसी है तो आईसी कौन सी है। अब ये जो 15 वोल्ट की आईसी है, कल के दिन कोई और लेटेस्ट मॉडल में आ जाती, उसका डायग्राम रहता क्या? नहीं सर। तो हम ये डायग्राम खोल के वो सेट बना सकते, तो ये तो नॉलेज चाहिए ना, नहीं तो हम अरे मॉडल आए तक वेट करते। बहुत सारे बच्चे A3S का मॉडल डायग्राम नहीं है बोल के वेट करते, हम तो दूसरा मॉडल खोल के बना देते, बनाते कि नहीं बनाते? तो ये चीज आना चाहिए आपको। ये कहाँ सीखे आप लोग? एक एक लाइन ट्रेस करने आता अभी? सबसे पहले ये डिस्प्ले सेक्शन है हमारे पास, रेडमी 9A का है, ठीक है। इसमें ग्राफिक आईसी लग के कितने बॉल की लग के है? 2 बॉल सर। हाँ, 2 बॉल। कितने बॉल का ग्राफिक आईसी है? 15 बॉल। जोर से, 15 बॉल का ग्राफिक आईसी लग के है, ठीक है। तो ग्राफिक आईसी से आउटपुट क्या चाहिए अपने को? वोल्टेजेस +5 और -5। कहाँ से आते हैं? ग्राफिक आईसी। तो इस कनेक्टर पे कितने नंबर पे आ रहे? 16 या 17 सर। 16 और 17। इसमें वोल्टेज कितना आएगा बता दो जरा, +5 और -5। ठीक है, एक बार इनके लिए जोरदार क्लास कर दो, ठीक है। अब बैठ जाओ, आप आ जाओ नौ सर, जल्दी आओ, ठीक है, जने आओ। +5 -5 16-17 पे बता दिया इन्हों। अभी इसमें और बताओ, और क्या चाहिए ग्राफिक को अपने को? ग्राफिक्स में LCM रीसेट कहाँ से आ रहा है? CPU से। और इसके अलावा एरर फ्लैग CPU से ही आ रहा। तो ये बताओ यहाँ पे हम कहाँ से ट्रेस करें ये लाइन जो CPU से आ रही, डायग्राम के थ्रू? जी डायग्राम। सबसे पहले ये कनेक्टर का नंबर क्या है? J3001। चलो वहाँ पे चेक करके बताओ कहाँ पे कनेक्टर। और एरर फ्लैग जो लाइन है पहले कभी देखी क्या आप लोग? अभी चेक करें उसको। अच्छा, उसका लाइन मिसिंग हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आता, मैं आपको बताया अभी, बना सकते ना उसको? ठीक है, ये तो कनेक्टर हो गया। अब मेरे को आप यहाँ पे रीसेट लाइन कहाँ पे है और वो लाइन ट्रेस करके बताओ कहाँ जा रहे हैं। LCM रीसेट 6 नंबर। सब लोग कर सकते हैं? यहाँ पे देखो कहाँ पे कैसा सर्च कर रहे हैं, ये सबको आता है ना सर्च करने? सिंपली सेलेक्ट करके क्या करना है आपको? नेक्स्ट करना है। चलो यहाँ पे आईसी में आ गए, आईसी का नंबर बता दो ऊपर थोड़ा नीचे करके।
ऊपर से जूम करो प्लस दबा के, क्या नंबर है यू 901। तो ये लाइन कहाँ पे गई, रीसेट लाइन हमारी सीपीयू में, और ये लाइन मिसिंग हो जाए तो प्रॉब्लम पता है ना, ब्लू डिस्प्ले रेड डिस्प्ले उसमें हम बेसिकली हम क्या करते हैं ज्यादातर सीपीयू को रिवॉल्व करते, बहुत बार ट्रैक मिस हो जाती है, आप खाली रिवॉल्व करते रहते तो सोल्यूशन होगा क्या? तो नीचे से ट्रैक भी आपको क्या करना है, यहाँ तक डिस्प्ले के 6 नंबर के पिन से सीपीयू तक क्या रहना चाहिए, ट्रैक ओके रहना चाहिए। अगर ट्रैक ब्रेक रही तो हम वहाँ क्या करेंगे, जम्पर करके क्या करना है, फिर सीपीयू रिवॉल्व करके लगाना है, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अब यहाँ से आप सब ढूंढ सकते हैं ना इसमें, और एक लाइन क्या है एरर फ्लैग टीयरिंग वाली, ये भी लाइन ढूंढ के बता दो कहाँ पे आ रही कनेक्टर से, 7 नंबर पे है, कितने नंबर पे, 7। तो ये कहाँ से बनाए अपन ने, 8 पे है, चलो ये कहाँ से बनाए अपन ने, डायग्राम से बनाए। तो एक अगर डायग्राम अगर आप सीख गए तो दूसरे का बना सकते हैं ना, ठीक है। 8 नंबर एरर फ्लैग लाइन कहाँ पे जा रही है बता दो, बीच में क्या मिला, एक रेजिस्टर मिला जहाँ पे 1.8 वोल्टेज आ रहा, चलो नेक्स्ट करो। और आगे अपन यहाँ पे एक पुल अप रेजिस्टर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पुल अप रेजिस्टर, ठीक है। ये कहाँ से आ रही लाइन, इधर देखो भाई थोड़ा सा, कहाँ से आप बताओ, वेस्ट बंगाल से, बंगाल में कहाँ से, भूटान बॉर्डर से, भूटान बॉर्डर से, इनके लिए जोरदार क्लास दो। कहाँ कहाँ से बच्चे आ जाते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, इतनी दूर से क्या रीजन रहा आपको इतना दूर हैदराबाद आए, आप भूटान से बहुत सारे बंगाल कोलकाता गुजरात में बहुत इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं जाके यहाँ पे आए। ये तो मैं सोशल साइट पे देख रहा था वीडियो, तभी ये वीडियो मिला, हर दिन ये वीडियो देखता था, तो यहाँ का जो है डिसिप्लिन जो है बहुत अच्छा लगा, हमको सिखाने का जो तरीका है वो सब चीज़ बहुत अच्छा लगा। हमारे वहाँ पे भी जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे भी काम सिखाता है, पर वहाँ का जो तरीका है एक ही जगह पे बैठ के एक ही सामान से सबको सिखाते हैं, और यहाँ का जो वीडियो देखा हर एक चीज़ के लिए हर एक लड़का के लिए अलग अलग टेबल है, हर सेक्शन में दिया हुआ सारा सामान अवेलेबल है, बाजू वाले से मांगने की जरूरत तो नहीं है ना, इधर दे दे भाई तेरा पेज दे दे, और चेयर भी यहाँ प्लास्टिक वाले डाल के नहीं रखे होंगे। हाँ तो यहाँ पे जो लड़का लोग आते हैं उनके मन में भी वो खुशी दिखता है कि वो यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं, यही सब चीज को डेली देखते थे वो फ्लो करके फिर यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करके यहाँ पे आए। तो यहाँ आए आज आप यहाँ पे बैठे हो 8-10 दिन से, तो वो जो देख रहे थे कुछ फेक तो नहीं था, बिल्कुल फेक नहीं था, ये रियलिटी है, रियलिटी है। क्या क्या काम कर लिए अभी तक आप हैंड स्किल में, जब वहाँ पे रहते थे तो कुछ भी नहीं आता था, सीपीयू पकड़ने में भी डर लगता था, पर यहाँ पे आके अभी ओपनली डायरेक्टली कर सकते हैं, रिवॉल्विंग सिखाया पहले आपको, रिवॉल्विंग कर लेते हैं, अभी सीपीयू ऑन सेट से भी निकाल के डाल लेते हैं, 4G में डाल लिए, ब्लैक पेस्टेड भी कर लिए, व्हाइट पेस्टेड भी खोले अभी, जी खोल लिया, अभी आसानी से बन जा रहा है एक बार में, एक बार में बनता है। बंगाल से कोई आना चाहे उसको क्या बोलेंगे, मैं तो यही बोलूंगा बंगाल में जितना भी है इंस्टीट्यूट वहाँ पे मतलब हर एक चीज़ नहीं सिखाता, अगर यहाँ पे आया तो उनको हर एक चीज़ सीखने का नॉलेज मिलेगा, वो अपने दुकान पे जाके अच्छा से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सोच के आए थे मिला आपको, जी बिल्कुल मिला, आने से पहले तो बहुत सारा कंफ्यूजन था मन में, कितना सारा पैसा ले रहा है वहाँ पे जाने के बाद, खुद सिखाएगा या नहीं सिखाएगा, पर आने के बाद पता चला कि हाँ ये चीज सिखाते हैं, डबल पैसा वसूल, हाँ उससे डबल पैसा वसूल, सबका है कि नहीं है भाई बताओ, जाके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकालना ही चाहिए अपने को, छोड़ना नहीं है, एक ही महीने में, इसके लिए भाई क्लास करो जोरदार, इनके लिए भी जोरदार क्लास, थैंक यू वेरी मच, ठीक है बैठ जाओ। इसके अलावा आप आओ भाई गुजरात से, फटाफट बताओ MIPI की कितनी लाइन है इसमें, समझ में आ रहा सेक्शन सबको, समझो रिवाइज ही कर रहे अपन वापस से, MIPI की 10 लाइन है, ओके 8 पॉजिटिव 8 चार पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 सीरियल क्लॉक की पॉजिटिव नेगेटिव है, क्लॉक और डाटा की 2 लाइन है, सीरियल नहीं क्लॉक डाटा, क्लॉक ठीक है 10 लाइन है। ये कहाँ से आती है, ये सीपीयू से आती है, सीपीयू से आती है, MIPI लिख के रहेगा या तो फिर क्या लिख के रहेगा DSI। चलो यहाँ पे बता दो पहले कनेक्टर पे जाओ J3001 पे, और किधर पे आ रही लाइन, बीच में क्या मिलेंगे उसके लाइन के, अगर ये नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा, लो वैल्यू के रजिस्टर LVR मिलेंगे अपने, 0 ओम्स के रजिस्टर मिल सकते हैं या फ्यूल रजिस्टर। देखो भाई इन्होंने सही बता दिए, ये जरा कट कर देना बाजू वाला डब्बा, कितने लाइन है, 10। सबको आता है लाइन कहाँ से आ रही है, चलो ट्रेस करके बता दो कहाँ से आ रही है, 10 में 8 डाटा के, 2 क्लॉक के, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, क्लॉक में भी 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव,
जूम करो थोड़ा सा, थोड़ा जूम करो, उसके बाद सेलेक्ट करो। हाँ अभी सेलेक्ट करो और एक बार दबाओ, दो बार दबाओ, कंटिन्यू हो गया सेलेक्ट। चलो नेक्स्ट करो। पहले क्या मिलेंगे बीच में, उसके बाद में सीपीयू तक जाने के लिए आप डायरेक्ट नेक्स्ट नहीं करेंगे, अभी इस तरफ का सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हाँ उसको सेलेक्ट करो, करेक्ट, डबल क्लिक, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कहाँ पे आ गए? सीपीयू आ गए। इजीली ट्रेस कर सकते ना। अच्छा ये लाइन अगर ओपन हो जाए तो क्या ट्रेस करेंगे सबसे पहले? ये लाइन में यहाँ पे मेरे को ऑयल मिल रहा है, क्या चेक करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो इन्हें जाएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ट्रैक, उसके बाद यहाँ से खाली सीपीयू रिवॉल्व करके डायरेक्ट बिठा देंगे कि ट्रैक चेक करेंगे, क्योंकि 10 में से अगर एक भी ट्रैक मिस हो गया खाली रिवॉल्व करके डालते जा रहे तो काम बनेगा क्या? तो बेटर क्या है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, पहले 10 के 10 लाइन, उसके बाद। समझ में आ रहा है? आप कहाँ से भाई, थोड़ा सा बताओ जोर से। गुजरात अहमदाबाद से हूँ। ओके, यहाँ कैसे आ गए आप हैदराबाद? मैं यूट्यूब में वीडियो देखता था, वीडियो देख के आया हूँ। कब से काम कर रहे थे आप? नहीं मैं फ्रेशरिंग में काम, फ्रेशर पहले कभी काम नहीं कर रहे, अभी ऐसा डाल लाइन वगैरह सब सर्च कर दे रहे। हाँ सर्च कर देता हूँ, आईसी रिवॉल्व भी किया है। आईसी रिवॉल्व कर रहे, सीपीयू भी लगाए, सब लगा दिया, सब लगा दिया, सब भी लगा दिया। अच्छा सेट ऑन सेट में से किसी को भी, सबको पूछ रहा हूँ, ऑन सेट का कोई भी आईसी निकालने से डर है क्या? किसको नहीं, 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 कोई भी निकाल सकते ना भाई, क्योंकि कस्टमर का हमेशा का डेड सेट ही आएगा क्या? ऑन आएगा लाइट के लिए, ग्राफिक के लिए, चार्जिंग के लिए, ऑडियो के लिए, माइक स्पीकर वगैरह के लिए ऑन ही आएगा। कभी आपको ऑडियो भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडियो तो पावर में रहता है आपका ज्यादातर, तो पावर आईसी चेंज करना पड़ेगा। अरे सर ऑन है ना मोबाइल, पावर निकालूंगा बंद हो जाएगा मोबाइल, सोचेंगे क्या ऐसा? पावर भी बदलना है, सीपीयू भी रिवॉल्व करना है। अभी ग्राफिक में से ही एक लाइन मिसिंग हो जाता तो क्या सीपीयू रिवॉल्व नहीं करेंगे क्या? अरे सेट तो ऑन रहता आपका, खाली ग्राफिक नहीं आता उसमें, तो उसमें सीपीयू भी आपको क्या करना पड़ सकता है? तो ये हैंड स्किल अभी आपको सिखाए सबको, और इसमें मास्टर बनने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको? 1 से 2 महीने, उसके बाद कर सकते ना भाई, अभी भी कर सकते, लेकिन थोड़ा सा क्या रहता दिल में, क्योंकि अभी सीख रहे अपन है ना, कर सकते ना भाई। आप बताओ भाई, गुजरात से कोई आना चाहे उनको क्या बोले, गुजराती में बोलो छो, आई जाओ बिंदास, या पैसा वसूल जाए, इन्हें कोई तुमने अफसोस नहीं जाए, आओ तो सीखी ना जाओ भाई। इतने ट्रेनिंग सारो छे, ट्रेनिंग सारो छे, एकदम कंप्लीट है, सीखो ना, सारो है, कहने खाने का आप मजा मसो रेवा काम तो थोड़ी छे, पण मड़ी जैसे वांदो नहीं आवे। मेन ट्रेनिंग के बारे में बोलो छो, ट्रेनिंग सारी जाए ना, आई जाओ बिंदास। ठीक है भाई, जोरदार क्लैप सुन लीजिए। ठीक है, और क्या बच गया इसमें, बाकी हो गया ना भाई? एनटीसी लाइन है और एक हमारी एक वीआईओ लाइन है, ये चेक कर लेते ना आप लोग, ये भी कहां से आ रहा था, ऑलरेडी हमने बना दिया है। ठीक है, एक बार सबके लिए जोरदार क्लैप। ठीक है।